सुबह जब उठ जाते हैं ना तो हम दो बहुत अलग इंसान हैं। मैं जब सुबह उठता हूँ मुझे 2 घंटे लगते हैं उठने में, कि उठ के पहले आराम से कॉफी नाश्ता, वो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ 2 घंटे, और वो उठती हैं सीधा एनर्जी, मतलब बिल्कुल उनको हर डिस्कशन सुबह सुबह उठते ही करनी है कि ये वो जो था ये तो था वो, और मुझे प्रोसेस नहीं होता है। तो मुझे कभी कभी होता है कि वो जो सुबह वाला डिस्कशन है ना उससे मुझे थोड़ा बचना पड़ता है कि मुझे 2-4 कॉफी चाहिए होते हैं फिर मैं डिस्कशन में इन्वॉल्व हो पाता हूँ। सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होता है जब घर पे कई बार वो बीच में हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ना वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके बजट पे बैठती हैं। अच्छा। हमें बताओ महीने का खर्चा कैसा किधर क्या, वहाँ अच्छी बात है। बट व्हेन दैट डिस्कशन हैपेंस ना मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं आई एम ऑडियंस, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ मैं तो यार, मैंने कहा ये सही चल रहा है, तो वो जो डिस्कशन होती है बड़ी प्यारी होती है उनके बीच में। अच्छा ऐसा है जब कोई फिल्म आती है, क्योंकि अब तो कैटरीना आपकी लाइफ में है, देखिए मुस्कुराहट देखिए लोग, जोक थोड़ना है यार, सच में है। तो आप डिस्कस करते हैं कोई फिल्म के बारे में, और आपने ये बताया कि इसमें वो वाला गाना है जो मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, तू जो है तो फिर और क्या चाहिए। नहीं वो तो जब गाना आया उसके बाद गाना शुरू किया मैंने उसके लिए। अच्छा। बट नहीं, हम डिस्कशंस काफी होती है जब कुछ नई स्क्रिप्ट हो या कुछ किसी फिल्म के बारे में मैं सोच रहा हूँ या वो सोच रही है, तो हम दोनों साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। कई बार जैसे उन्हें बड़ा शौक है कि अगर मैं किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही है जिसमें मैं गाने शूट कर रहा हूँ, सो देन शी इज लाइक आई वांट टू सी द रिहर्सल, क्योंकि वो डांस में शी इज सो गुड दैट कि फिर बाद में जब मैं रिहर्सल वीडियो दिखाता हूँ मैं बहुत डरता हूँ कि यार, क्योंकि उसमें से 36,000 मिस्टेक निकाल देती हूँ, ये हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, ये लाइन ठीक करो, वो ठीक करो, वो ठीक करो। मैंने कहा ठीक है। पर ऐसी वाली डिस्कशंस बहुत होती हैं, बिकॉज आई मीन शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड शी इज रियली रियली लाइक यू नो मेड अ स्पेस फॉर हरसेल्फ विद हर ओन हार्ड वर्क व्हिच इज ग्रेट। सो या काफी डिस्कशंस होती हैं। अच्छा एक ना बहुत ही एकदम जनरल पब्लिक वाला सवाल, बहुत सारे लोग लव मैरिज करते हैं, फिर उतार चढ़ाव और सिचुएशन, आपने लव मैरिज की, अब कैसी सिचुएशन चल रही है, मतलब आप क्या बोलोगे कि अरेंज मैरिज इज द बेस्ट या लव मैरिज इज द बेस्ट? प्यार होना चाहिए, मैरिज कैसी भी हो, अरेंज हो चाहे लव हो, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक दूसरे के लिए कंपैशन होना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, हमारी साथ में एक मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ना उसे पूरी तरह इस तरफ आना है ना मुझे पूरी तरह उस तरफ जाना है। सो दैट अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो फिर इट डजंट मैटर अरेंज है लव है, खुशी देनी चाहिए टू द फैमिली एंड टू देम फर्स्ट। तो अगर वो खुशी है वो प्यार है तो फिर मैरिज किसी तरह हो। तो अभी अभी कैसे होता है, आप तो एकदम पराठे वराठे एकदम घी वी डाल के पसंद करते होंगे, वो तो केवल स्मेल करके ही हमारी शादी पराठे, बीच का रास्ता क्या निकला? पराठे वेज पैनकेक हुई है हमारी शादी तो है तो वैसे सेम ही पैनकेक पराठे सब सेम ही है, बट हाँ सुशी शी लव्स पैनकेक्स, आई लव पराठा। तो वो उसमें नहीं आती इतनी पराठा फैट हो जाएगा ये हो जाएगा? नहीं नहीं वो भी खाती है पराठे, शी लव्स मॉम का, मॉम के हाथ के पराठे। नहीं ऐसे आप कभी शॉपिंग पे जाते हैं साथ में तो वो बार्गेन करती हैं, आप करते हैं, कौन है इसमें से ऐसा जो पैसा बचाओ टाइप का है? मैं ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा हूँ। एक्चुअली हमारा डिपेंड करता है कि हमारे इंटरेस्ट की चीज किसके इंटरेस्ट की चीज की शॉपिंग हो रही है। अगर मेरे इंटरेस्ट की चीज है तो फिर उसे लगता है कि नहीं बजट वाली चीज होनी चाहिए, ये पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर उनके इंटरेस्ट की चीज है तो फिर मुझे लगता है कि यार इतना क्या, और पर नहीं नहीं यार ये तो मुझे शौक है इस चीज का। सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होता है जब घर पे कई बार वो बीच में हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ना वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके बजट पे बैठती हैं। अच्छा। हमें बताओ महीने का खर्चा कैसा किधर क्या, वहाँ अच्छी बात है। बट व्हेन दैट डिस्कशन हैपेंस ना मुझे बड़ा मजा आता है। नहीं आई एम ऑडियंस, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ मैं तो यार, ये सही चल रहा है, तो वो जो डिस्कशन होती है बड़ी प्यारी होती है। जरा हटके चीज मैं ये बोलूंगा कि जो सी एवरीबॉडी नोज हर एज दिस मेगा स्टार एंड लाइक कैटरीना कैफ, बट वंस यू नो हर एज अ ह्यूमन बीइंग, वो बहुत बहुत ही सिंपल बेसिक एक लड़की है जिनको वो सिंपलिसिटी बहुत पसंद है, एंड शी इज अ वेरी नो फस गर्ल इन दैट सेंस, तो वो बहुत लोगों को पता नहीं है, एंड व्हेन यू गेट टू नो ऑफ दैट लाइक बीइंग मैरिड टू हर, माय माइंड इज ब्लोन ईच डे। तो वो सबसे हटके चीज है उनके बारे में, और जो बचके चीज है आई थिंक बचके चीज सच में बचना है तो जवाब देते हैं। नहीं बचके चीज मैं बताता हूँ ना, जैसे उनके हमारे ना दो अलग चीजें कैसे हैं, जब सुबह जब उठ जाते हैं ना तो हम दो बहुत अलग इंसान हैं।
मैं जब सुबह उठता हूँ मुझे 2 घंटे लगते हैं उठने में, कि उठ के पहले आराम से कॉफी नाश्ता, वो मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ 2 घंटे, और वो उठती हैं सीधा एनर्जी, मतलब बिल्कुल उनको हर डिस्कशन सुबह सुबह उठते ही करनी है कि ये वो जो था ये तो था वो, और मुझे प्रोसेस नहीं होता है. तो मुझे कभी कभी होता है कि वो जो सुबह वाला डिस्कशन है ना, उससे मुझे थोड़ा बचना पड़ता है कि मुझे 2-4 कॉफी चाहिए होते हैं, फिर मैं डिस्कशन में इन्वॉल्व हो पाता हूँ.